आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लम्मा यूके में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और नेता लोगों ने भी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। तो इस बार जो महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है उत्तराखंड की, वो नैनीताल की है, क्योंकि यहाँ पे सामने हरीश रावत हैं कांग्रेस की तरफ से, वहीं बीजेपी की तरफ से सांसद के उम्मीदवार अजय भट्ट जी हैं। तो क्या क्या चाहती है नैनीताल की जनता, किसे बनाना चाहती है, ये तो चुनाव खत्म होने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात अभी यह है कि दोनों नेताओं का इस बार करियर का सवाल है, क्योंकि हरीश रावत जहां दो सीट अपनी हार चुके थे कुछ पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें, और वहीं अजय भट्ट अपनी विधानसभा सीट रानीखेत से हार चुके थे। तो अभी लोकसभा चुनाव में दोनों लोगों ने अपनी किस्मत आजमाने का प्रयास चल रहा है। तो क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कल आए बेतालघाट में अजय भट्ट ने क्या कुछ कहा, बेतालघाट वासियों को क्या सौगात दी, देखिए हमारी ये वीडियो। लोन कर देना, गरीब को अगर लोन लेना है तो आपको दो जमानती देने हैं, दो जमानती, ताकि उसकी कुर्की हो जाए, वसूल किया जाए। लेकिन अमीर को देना है फोन पर कि 10 करोड़ दे देना, 20 करोड़ दे देना, ये करके खोखला किया। आज मोदी जी बैठे हैं, ला रहे हैं सबको और हिंदुस्तान के खजाने में डाल रहे हैं। ये है मोदी का कमाल। आज विश्व में मोदी मोदी हो रही है, ये है मोदी का कमाल। कांग्रेस के ये जिन्होंने खदुए लोग खा गए, नेता लोग कोई यहां होंगे तो मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप तो अच्छे लोग हैं, जो वहां चले गए, विदेश में भाग गए, ये खदुए लोग जितने भी हैं, जब ये जेल जाके विदेश जाते हैं आराम करने के लिए, कहां से आए हो? भारत से आए हैं, ओ मोदी के देश से। वेलकम, आइए, स्वागत है, स्वागत है, क्योंकि भारत के हैं। वहां भाजपा और कांग्रेस नहीं होती, भारतीय नागरिक होता है। मैं उबे हाथ जोड़नी है, मोदी जी तुम्हारे खिलाफ होल बहुत कर रहे, तुम्हारे नामल हम इज्जत पा रही, हमको माफ कर दिया, कहां कौनी विदेश में। और यह अबे फिर दंता द्वारी भोसिंगारी धूपा मुंगरी दमोरा दमोर, मोदी जी को हटाओ लफोड़ा लफोड़, यह अबे फिर यश करण हो नो ये लीजिए। मैं आप हूं यद को कहो एरोई, आज एक धर्म युद्ध चल रहा और यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। मैं कत्तू बखत तुम्हें बीच में आई छू, राती ब्याह इतनी के बटी पलदान बटी वलदान ओण में कई टाइम नहीं लागन मेरा, यहाँ सब हलसू घोड़िया बटी मली तले रात ले मैं यहाँ रही छू, मैं छू कोई जनजाति छू नहीं पूछा लू, और बम सब को मार डालो लिख के सब का। और हमारे यहाँ के हिसाब थी एक तरु बटी वो मार पाकिस्तान अपन सैनिकों होता कौन कि रक्षा करो या आतंकवादियों की, इनको हिंदुस्तान में खितो, वहां सिपाही के खत्म करो, वहां फौज के खत्म करो, पहली जो हमारा रक्षा करण है। अगर आज हम सुरक्षित सो सकते हैं तो अपनी सेना की वजह से जो इस समय भी गश्त लगा रही है तब हम सो सकते हैं, वरना हम सुरक्षित कैसे होते। आतंकवाद ने खोखला कर दिया हमको, खत्म कर डाला हमको, भीतर भीतर बिल्कुल धूड़ जो लगो जैसे धूड़ लागो हमार वहां। मोदी जी को जब उरी में उरी कैंप पर सैनिकों पर हमले करा, पूरे बेर हमारे जवानों को मारो, मोदी जी को जवानो पीछे मत हटता बेटा, ये देश तुम्हारा है, आज तक तुमको किसी ने आज्ञा नहीं दी, आज मैं पहली बार आज्ञा दे रहा हूं, जो चाहो स्पॉट पर अपना फैसला कर लो वार पार जाके। और जवानों ने अपनी बात निभाई, मोदी जी का कहना माना और पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके घर में घुस के चौकियां खत्म कर डाली। चुनावी मोड में है, रानीखेत से नैनीताल शिफ्ट हुए हैं, पहले तो इस पर सब पूरे प्रदेश का अध्यक्ष आप लोगों ने बनाया है, पूरा प्रदेश मेरा है, और फिर संसद का टिकट ऐसा है, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, उत्तर वाला पूरब में पूरब वाला पश्चिम। माननीय डॉक्टर जोशी कानपुर से यहाँ लड़ते हैं, कृष्णचंद पंत भी दिल्ली से लड़े हैं, और इसी तरह से कोई कहाँ से कोई आसनसोल से तक हमारे बिहार से लोग लड़ने के लिए, ये एकता का प्रतीक है। इसलिए शिफ्ट करना और आने जाना जैसा कोई जैसा सवाल नहीं। भट्टी आश्वासन दिया है कि जनता की नाक नीचे नहीं होने देंगे, कुछ योजनाएं होंगी आपके दिमाग में, कुछ ध्यान होंगे, किस तरीके से नाक नीचे करेंगे? मैं बहुत लंबा हूँ यहाँ पहाड़ में अध्यक्ष के नाते, कुछ प्लानिंग अपने दिमाग में जो है, भगवान ने अगर अवसर दिया तो उसको मूर्त रूप दूंगा, ऐसा मैंने सोचा, और अपने विधायकों के साथ
बैठ के, अपने स्थानीय लोगों के साथ बैठ के, पत्रकार मित्रों से बैठ के मैं एक योजना तैयार करूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी नई योजनाओं को तुरंत लागू करेंगे। इसलिए जो भी होगा पब्लिक के आकांक्षाओं के अनुरूप ही कार्य करेगा। सोनिया के फोन को आपने टैप करा है, उसे सुना दीजिए एक बार दोबारा से जनता को। मैंने ये कहा था कि ये जो बड़े घराने के लोग हैं, जो आज कहते हैं कि नीरव मोदी या फलाना मालिया, इनको भगा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, वो आरोप लगाते हैं, गलत आरोप लगाता है, क्योंकि सारा लोन तो इनके ज़माने में दिया गया है, इन लोगों ने लोन दिया है, और एक फ़ोन करते थे इस तरह से कि हेलो फलाना फलाना और इतना लोन 10,000 करोड़ दे दो। गरीब से अगर लोन लेते हैं तो गरीब को लोन देते समय दो जमानत ही लेते हैं, लेकिन 10,000, 20,000, 400 करोड़, 500 करोड़ के लोन फोन पे दिए गए, इसलिए मैंने एक मजाकिया लहजे में कहा था और वो बात सत्य थी। सर आपको लेकर भी आप कब चर्चाओं में बयान दिए हैं, ये भी कहा एक दौर में कि पंडित को अच्छी शराब मिलती है, इस पर स्टैंड कायम है? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ऐसा, वो गलत फहमी फैलाई थी। अगर किसी के टेलीविजन चैनल पर या किसी पर रिकॉर्ड है तो वो दिखा सकता है, तो वो तो कुछ लोगों ने बदनाम करने के लिए कहा। मैंने हमेशा मैं शराब का विरोधी रहा हूँ, और जो गलत शराब तस्करी की पिलाते हैं उसके बारे में मैंने कहा कि मिलावट यहाँ तक हो गई है कि जगह जगह पर कांग्रेस के ज़माने में लोगों को जहर पिलाई जाती है।